मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थल महू में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के होने वाले दौरे पर सियासत शुरू हो गई है। इसको लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर सवाल खड़ा किया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली जाकर सबसे पहले राहुल गांधी को अपने पूर्वजों द्वारा बाबा साहेब के लिए किए गए व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। नहीं, राहुल गांधी अगर महू जाएंगे तो अपने पुरखों की गलती की माफ़ी मांगेंगे, और माफ़ी इसलिए मांगनी चाहिए कि ये बताना पड़ेगा कि आखिर अंबेडकर को लोकसभा के अंदर जाने से रोकने वाली कांग्रेस में उस समय के नेता कौन थे, कौन ने लोगों ने अंबेडकर के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करके और अंबेडकर जी को चुनाव में हरवाया और अंबेडकर जी को लोकसभा के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। राहुल गांधी जाएंगे तो अपने पुरखों की गलती की माफी मांगेंगे और कहेंगे कि हे अंबेडकर, तूने संविधान निर्माण में तो योगदान दिया, तूने कांग्रेस को दलित वोट पर बढ़ाने और कांग्रेस को जिताने में तो योगदान दिया, पर तेरी जन्मस्थली को नव नवीली और दुल्हन की तरह सजाने में किसी का योगदान है तो वो भारतीय जनता पार्टी और भाजपा का है। दरअसल राहुल गांधी मालवा के दौरे पर हैं और मंगलवार को राहुल गांधी महू में बाबा साहेब की जन्मभूमि स्मारक जाएंगे। इसके अलावा उनका कार्यक्रम भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाओ भी जाने का है। इसे दलितों और ब्राह्मण वोटों को रिझाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के राहुल गांधी के महू दौरे पर उठते सवालों के बीच कांग्रेस अब बीजेपी विधायक के चरित्र पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए, जो विधायक दशहरे के दिन नर्तकियां नचवाता हो, धर्म के लिए चंदा लेकर अधर्म के काम करता हो, उस विधायक के मुंह से जो है इस तरह की बातें सुनना कितना गंदा लगता है। भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है कि धर्म की ठेका लेके जो कंधे पे घूम रहे हैं कांवर रख के, ये पूछ लें अपने विधायक से कि दशहरे के दिन तूने जो है ये विदेशों से लड़कियाँ बुला के क्यों नचवाईं। ये भारतीय जनता पार्टी में इतना नैतिक साहस भी नहीं है, और ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी का बहुत दूर तक कारवां ले भी नहीं जा सकते। ये सब खेत में लगे आप क्या ना, पहले अपने इतिहास की माफी मांग लो लोगों से। आपको बता दें कि मालवा निमाड़ को बीजेपी के मजबूत गढ़ के तौर पर देखा जाता है। 2013 के विधानसभा चुनाव में मालवा निमाड़ की 66 सीटों में से बीजेपी ने 56 सीटें जीती थी, लिहाजा इस बार कांग्रेस इस इलाके में कोई चूक नहीं करना चाहती, और यही वजह है कि राहुल गांधी इस इलाके का दौरा कर रहे हैं। भोपाल से रविश पाल सिंह की रिपोर्ट।